बैजनाथ में राज्य स्तरीय शिवरात्रि उत्सव के आयोजन को लेकर मेला समिति के अध्यक्ष एवं एसडीएम बैजनाथ रामेश्वर दास की अध्यक्षता में बैठक आयोजन किया गया। बैठक में बैजनाथ के विधायक व मेला समिति के मुख्य संरक्षक मुल्कराज प्रेमी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में मुल्कराज प्रेमी ने कहा कि बैजनाथ शिवरात्रि महोत्सव का अपना विशेष महत्व है और लाखों लोगों की आस्था इस उत्सव के साथ जुड़ी है। उन्होंने कहा कि उत्सव को और अधिक बेहतर तथा मनोरंजक बनाने के लिए सभी सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेला समिति के सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें और जो कार्य उन्हें दिया गया है उसे पूरे तन्मय और ईमानदारी से करें। उन्होंने कहा कि उत्सव में मेगा स्टार नाइट और बाहरी कलाकारों के साथ साथ स्थानीय कलाकारों को भी उचित स्थान मिलेगा, इसके लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मेला हमारी संस्कृति को संजोए रखने में सशक्त भूमिका निभाता है और सरकार इसके लिए हर संभव सहायता कर रही है। इससे पहले एसडीएम बैजनाथ ने मुख्य अतिथि और मेला समिति के सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया। मेला समिति के सचिव और तहसीलदार बैजनाथ विचित्र सिंह ने बैठक की कार्रवाई का संचालन किया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 34,47,215 की आमदनी हुई थी और 33,68,533 रुपए खर्च किए गए थे। मगर जो कताई बरतेगा उसके लिए फिर विशेष ध्यान, क्योंकि गैर जिम्मेवार चाहे वो घर में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, क्योंकि गैर जिम्मेवार रहना हमारे लिए चाहे देश के लिए हमारे लिए सभी के लिए चिंता का। तो इसके लिए मेरा सभी अधिकारियों से भी निवेदन यही है, वो कृपया ध्यान रखें, क्योंकि इस बार हमने सफल आयोजन करना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगा कि इस बार को इस निवेदन है, क्योंकि संस्कृति जो हमारी बैजनाथ का जो ऐतिहासिक, जो मैंने पहले भी कहा ऐतिहासिक मेला है, दूर दूर के लोगों की इसमें जो है शिवजी मंदिर के ऊपर आस्था है। तो इसके लिए मैं तो आपसे सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका पूरा सहयोग, बाकी जहाँ चाहे तहसीलदार साहब एस डी एम महोदय आपको कहीं कमी लगती है तो उसको पूरा करने के लिए मैं सबसे पहले आपके पास, आप बताइए कमी कहाँ, कमी को हम पूरा करेंगे, मगर बाद में अगर कोताही अगर कहीं रह जाती है तो उसको हम निष्पेष करने वाले हैं, क्योंकि मैं स्पष्ट जो बात होती है उसको स्पष्ट कर दे रहा हूँ पीछे से। और कई बार ऐसा होता है कि मुझे पता है कि जब सामने कोई बात होती है और पीछे से कई बात होती, अगर कोई हल्के में ले ले कि मुल्कराज प्रेमी को कोई पता नहीं होता है, मैं सारे हर नज़र मेरी पीछे भी होती, पीछे भी नज़र मैं जरूर रखता हूँ, अगर कहीं कोई मेरे हल्के में लेना चाहता है कि मुल्कराज प्रेमी कहीं ऐसा है कि उसको पता नहीं है, जो जो बातें पीछे से होती है वो कृपा करके मैं स्पष्ट, आज सभी अधिकारी भी बैठे उनको भी मैं इस बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मुझे हर बात मेरे पास पहुँचती है, कृपया उस बात से भी सचेत, क्योंकि कई बार कोई आदमी सोचता है कि पता नहीं मैं आप मेरे को क्या कहती है,